स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आई होप आप अच्छे से अपने आने वाले एग्जाम्स को क्वालिफाई करने की तैयारी में लगे होंगे। हम पॉलिटी की जो सीरीज चला रहे हैं उसमें आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो आज का हमारा टॉपिक है, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में लिखा है, राष्ट्रपति पद की योग्यताएं क्या होंगी, कौन व्यक्ति राष्ट्रपति चुना जा सकता है, संसदात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं, दोनों में क्या अंतर है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था किस देश में है, संसदात्मक शासन व्यवस्था किन किन देशों में है, कौन सी शासन व्यवस्था ज्यादा अच्छी है, इन सब एस्पेक्ट पर हम आज चर्चा करेंगे। एग्जाम कोई भी हो, चाहे वो भारत की सर्वोच्च संस्था संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो, चाहे सबसे निचले स्तर ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा हो, सब में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन से प्रश्न बनते हैं, कैसे प्रश्न बनते हैं, इन सबका उत्तर कैसे देना है, सीक्वेंस में बात करेंगे हम। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, राष्ट्रपति वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है और ऐसा लगता है कि उसमें मुझे 3 से 4 घंटे लग जाएंगे समझाने के लिए। तो हम लोग इसको चरणबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। चरणबद्ध तरीके से मतलब आज हम लोग राष्ट्रपति पद क्या है, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है, किस विधि से होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन लोग भाग लेते हैं, आज हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो लगभग 30 से 35 मिनट की जो आज की हमारी क्लास होगी, राष्ट्रपति के इन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो अन्य आयाम हो सकते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति क्या है, थोड़ा सा इसको जान लीजिए। देखिए, आप लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं कि शासन व्यवस्था 2 प्रकार की होती है, एक अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था और दूसरी है संसदात्मक शासन व्यवस्था। आप लोग ये भी जानते हैं कि भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था है, वी हैव पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अमेरिका सबसे बढ़िया इसका एग्जाम्पल है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था और संसदात्मक शासन व्यवस्था में अंतर क्या है। देखिए, संसदीय शासन व्यवस्था जहां पर होती है वहां कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में निकट का संबंध होता है। निकट का संबंध का मतलब ये होता है कि कार्यपालिका का जो निर्वहन है वो व्यवस्थापिका में से होता है। आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पर कार्यपालिका में राष्ट्रपति है, कार्यपालिका में उपराष्ट्रपति हैं, कार्यपालिका में प्रधानमंत्री हैं और मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य हैं। ये सारे लोग कहाँ से आते हैं, ये सब संसद से ही तो आते हैं। तो इस प्रकार से कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का निकट का संबंध होता है संसदीय शासन व्यवस्था की, ये पहली विशेषता है। दूसरी, संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका हमेशा 2 प्रकार की होती है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका, दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति और राष्ट्र उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति इसी कार्यपालिका का नाम मात्र की कार्यपालिका का हेड होता है। संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री और जो मंत्रिपरिषद है उसकी सांसें कह दीजिए, अस्तित्व कह दीजिए, वो संसद के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने कहा कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में निकट का संबंध होता है संसदीय शासन व्यवस्था में। इसके विपरीत जरा आप देखें, जहां अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होती है वहां कार्यपालिका एक ही है नाम मात्र की या वास्तविक कार्यपालिका, जो विभेद हम यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था में देख रहे हैं उस प्रकार का विभेद वहां पर देखने को नहीं मिलता। ये बहुत बड़ा अंतर है। सो वी हैव पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, हमारे देश में संसदात्मक शासन व्यवस्था है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति की क्या भूमिका है, राष्ट्रपति किस प्रकार से चुना जाता है, राष्ट्रपति पद पर जो लोग चुने जाने होते हैं उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं, इस पर हम लोग बात करना चाह रहे हैं। प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, देखिए आजकल एक नया ट्रेंड डेवलप हुआ है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाने लगे गए हैं, कुछ अनुच्छेद लिखे हुए आएंगे, कुछ पद लिखे हुए आएंगे, आपको उनको मैच करना हो सकता है। जैसे भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है तो हमें बहुत ढंग से पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख किस पद में है अनुच्छेद में है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, इससे संबंधित जो अनुच्छेद है उनको मैच करने से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको पहले से बताया है कि हम लोग पॉलिटी विषय पर जो चर्चा करने जा रहे हैं वो चर्चा नीट का एग्जाम हो, चाहे ग्राम सेवक का हो, चाहे पटवारी का हो, चाहे
हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एग्जाम सिविल सर्विस का एग्जाम हो, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हमने आपको बताया है कि हमारा जो सबसे बेस्ट होगा हम आपके साथ वो शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत ना आए। आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग आईएएस के पॉइंट ऑफ व्यू से लगाकर नीचे जो सबसे नीचे का कर्मचारी है ग्राम सेवक, उन सबके पदों को कवर करते हुए हम विषय पर बात करने जा रहे हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए राष्ट्रपति पद का उल्लेख कहाँ पर है, तो सीधा सा जवाब होगा आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52 ये कहता है दैट शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 52 में है। दूसरी बात, कौन व्यक्ति भारत में राष्ट्रपति बन सकता है, राष्ट्रपति पद हेतु क्वालिफिकेशन क्या है, योग्यता क्या है। मैं जानता हूं इस बात को कि आप सारे लोग बहुत ढंग से इस बात को जानते हैं कि राष्ट्रपति पद के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि आप बहुत बारीकी से इन बातों को सुने क्योंकि बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है। राष्ट्रपति पद के लिए क्वालिफिकेशन, नंबर एक, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। मैंने बताया भारत का नागरिक होना चाहिए, कुछ किताबों में कुछ गाइड्स में लिखा है वह मूल रूप से भारत का नागरिक होना चाहिए। इट वाज सेटर एग्जामिनर, अब जो एग्जामिनर है वो जानबूझकर इस प्रकार का शब्द लिख सकता है राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन को लेकर कि वो भारत का मूल रूप से नागरिक होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिएगा ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, सीधा सीधा लिखा हुआ है भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर टू, दूसरी जो क्वालिफिकेशन है वो लिखी हुई है न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। याद रखना न्यूनतम आयु 35 वर्ष जरूर दे रखी है लेकिन अधिकतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखें। वो क्वालिफिकेशन देगा न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, अधिकतम आयु 65 वर्ष हो, इस तरह की बात भी लिखी हुई आ सकती है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। नंबर थर्ड, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो। आप हमेशा इस बात को ध्यान रखें, लिखा हुआ है लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो। अब इसमें आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इस बात को मैं इतना बल क्यों दे रहा हूं, उसका क्या कारण है। उसका कारण है, और उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि जब एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा तो वो इस तरह से पूछ सकता है भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, साथ ही साथ वो लिख सकता है लोकसभा का सदस्य हो। याद रखिएगा लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। देखिए भारत के यानी देश के सर्वोच्च पदाधिकारी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं तो वहां ये नहीं लिखा होगा कि वह पागल नहीं होना चाहिए, वह दिवालिया नहीं होना चाहिए, शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की कोई बात राष्ट्रपति पद के लिए लिखी हुई नहीं है, केवल इतना लिखा हुआ है कि लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो, बनने की योग्यता हो, ना कि लोकसभा का सदस्य हो। लास्ट में जो चौथा पॉइंट है, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट नहीं होना चाहिए अगर आप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनना चाह रहे हैं। अब आपके मन में प्रश्न आ रहे होंगे, पहला प्रश्न होगा कि लाभ का पद होता क्या है। देखिए भारत के संविधान के किसी भी अनुच्छेद में लाभ का पद क्या है इसको परिभाषित नहीं किया गया है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे संविधान ने ये जिम्मेदारी संसद को दी है वो कि वो ये निर्धारित करे कि कौन कौन से पद लाभ के पद के दायरे में आते हैं। तीसरी बात, ये जो चारों क्वालिफिकेशन आप लोगों ने अभी देखे हैं, इन चारों क्वालिफिकेशन का उल्लेख भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 58 आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 में इन क्वालिफिकेशंस का उल्लेख है, ध्यान आपको ये रखना है। अनुच्छेद 58 में साफ शब्दों में कह रखा है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार में वो मंत्री है तो ऐसी स्थिति में वो लाभ का पद नहीं होगा। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। भारत के संविधान में वैसे तो लाभ का पद कहीं भी परिभाषित नहीं है, लेकिन लाभ के पद के दायरे में कौन नहीं आता है ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है आर्टिकल 58 में। राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, राज्यपाल का पद, केंद्र सरकार या राज्य सरकार में मंत्री का पद, और ये सारे के सारे पद लाभ के पद नहीं होते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 58। इसका मतलब क्या हुआ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में जो वर्तमान की राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ये राष्ट्रपति बनने से पहले राज्यपाल थी,
और इन्होंने राज्यपाल पद से चुनाव राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया। अब ये इस्तीफा नहीं भी देती तब भी ये चुनाव लड़ सकती थी, क्यों? क्योंकि आर्टिकल 58 के अकॉर्डिंग राज्यपाल का पद लाभ का पद नहीं है। लाभ का पद वो कहलाता है जिसके बदले आपको वेतन मिलता है, आपको सैलरी मिलती है, सरकार से आप किसी भी तरह का फायदा लेते हो। या कई बार ऐसा होता है कि जब आप कई बार किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं भी लेते हैं तब आप ऐसे पद पर बैठे हैं जहां पर आप जमीनों को आवंटन कर सकते हैं, आप ऐसे पद पर बैठे हैं जहां पर फंड को आवंटित कर सकते हैं, ऐसे पद पर बैठे हैं जहां से आप स्कॉलरशिप या फेलोशिप को बांट सकते हैं, तो वो सारे पद लाभ के पद कहलाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 58 लाभ के पद के बारे में कहता है कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। आपको बात ये याद रखनी है, अगर कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति है और वो वापस राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उन्हें राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 58 स्पष्ट शब्दों में कहता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र सरकार या राज्य सरकार में यदि आप मंत्री हैं तो वो लाभ का पद नहीं माना जाएगा। आपको याद होगा वर्ष 2012 में प्रणब मुखर्जी ने जब राष्ट्रपति चुनाव लड़ा था तो उस समय वो देश के वित्त मंत्री थे, उन्होंने वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। अब इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि मंत्री का पद लाभ का पद नहीं है। इस बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये सारी क्वालिफिकेशन है राष्ट्रपति पद को लेकर। अब देखिए राष्ट्रपति पद की क्वालिफिकेशन तो हो गई, अब बात है जो चुनाव है उस चुनाव में कौन लोग भाग ले सकते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में जो लोग वोट देते हैं उन वोटर्स का जो समूह है वो कहलाता है इलेक्टोरल कॉलेजियम यानी निर्वाचक मंडल। हमेशा ध्यान रखिए भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है जहां पर हम लोग राष्ट्रपति का निर्वाचन जरूर करते हैं, भारत में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, भारत में सर्वोच्च पदाधिकारी निर्वाचित होता है। हालांकि इस बात को ध्यान रखना, जनता डायरेक्टली भारत के राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करती, जनता अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव करती है। निर्वाचक मंडल का मतलब ऐसे लोग जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करते हैं। पहली बात, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54 आर्टिकल 54 राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेंगे इस बात का उल्लेख करता है, इलेक्टोरल कॉलेजियम का उल्लेख करता है आर्टिकल 54, पहली बात। दूसरी बात, हमेशा ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति चुनाव में संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, संसद यानी हमारी पार्लियामेंट, इस पार्लियामेंट के सारे जो इलेक्टिक मेंबर्स हैं वो सारे इस चुनाव में भाग लेते हैं। और आप जानते हैं लोकसभा में 545 और राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं। लोकसभा में 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। ये जो 14 सदस्य हैं, 12 राज्यसभा के और 2 लोकसभा के, 12 और 2 14 ये सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते। जो मित्र यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है कि संसद के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग क्यों नहीं लेते। बहुत ढंग से हमें पता होना चाहिए कि संसद के मनोनीत सदस्य इस चुनाव में इसने भाग नहीं लेते क्योंकि इनको राष्ट्रपति ही मनोनीत करता है और इससे स्थिति में नेचुरल जस्टिस ये हितों का मामला है, हितों के टकराव का मामला है और इस वजह से संसद के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। इस बात को आप ध्यान रखना। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पहला पॉइंट, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य इस चुनाव में भाग लेते हैं। भारत में 28 राज्य हैं और जो 28 राज्य हैं उन 28 राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली है, उन 28 राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य इस चुनाव में भाग लेते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य? यस, ऑब्वियसली विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य। विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है, वो एंग्लो इंडियन या यूं कह दीजिए वो विधानसभा का मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेता है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि विधानसभा का मनोनीत सदस्य इस चुनाव में भाग क्यों नहीं लेता, तो इसका सीधा सा जवाब है वो सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत हो रहा है और राज्यपाल खुद की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करा रहे हैं, तो दैट्स व्हाई ये फिर हितों का टकराव है और इस वजह से विधानसभा का मनोनीत सदस्य भी राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर एक बात और है, भारत के
छह राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद भी है, तो विधान परिषद के सदस्य भी इस चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि इसका कारण है भारत के 28 के 28 राज्यों में विधान परिषद नहीं है, इसलिए विधान परिषद के सदस्य इस चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। और कौन लेते हैं राष्ट्रपति चुनाव में भाग? देखिए, दिल्ली और पुदुचेरी, जो विधानसभा है दिल्ली और पुदुचेरी की, वहां के सदस्य भी राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। आपको एक बात याद रखनी है कि ये जो राष्ट्रपति का चुनाव का निर्वाचक मंडल है, उसमें दिल्ली और पुदुचेरी को जो हमने शामिल किया है, उसके लिए 70 यानी 70वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में किया गया, और 1992 में इस संशोधन के द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया है, आर्टिकल 54 में अमेंडमेंट करके ऐसा किया गया है। लेकिन आप लोग जानते हो, वर्ष 2012 में जब राष्ट्रपति के चुनाव हुए, तब एक एंग्लो इंडियन ने राष्ट्रपति चुनाव में मत दिया था, जबकि हम लोग ये भी जानते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं वो भाग नहीं लेते हैं। तो मेरा आपसे प्रश्न ये है कि फिर एंग्लो इंडियन, जिनका नाम है डेरेक डेरेक ओब्रायन, उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में कैसे भाग लिया? ये एक अजीब सा प्रश्न है। अजीब सा प्रश्न इसलिए है क्योंकि अक्सर ये गलतफहमियां हम लोगों को हो जाती हैं, कहने की वजह से या समझाने की वजह से हमको ऐसा लगता है कि शायद आंग्ल भारतीय राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते। देखिए, ये मैंने कभी नहीं कहा कि आंग्ल भारतीय राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते। मैंने कहा लोकसभा में जो दो एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत होते हैं वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते। एंग्लो इंडियन चुनाव में भाग क्यों नहीं लेंगे? अगर वो निर्वाचित होकर आएंगे, अगर वो लोकसभा में निर्वाचित होकर आएंगे, अगर वो राज्यसभा में निर्वाचित होंगे, तो ऐसी स्थिति में उन्हें भी संसद के अन्य सदस्यों की तरह भाग लेने का अधिकार है। ये डेरक ओब्रायन पश्चिम बंगाल से, तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य हैं, और वो पहले एंग्लो इंडियन है जो भारत के संसद के किसी भी सदन से निर्वाचित होकर आए हैं। दैट्स व्हाई डेरेक ओब्रायन ने वर्ष 2012 के राष्ट्रपति चुनाव में भाग लिया, और निसंदेह ये बात सही है, निसंदेह ये बात सही है कि वो पहले आंग्ल भारतीय हैं जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में मत दिया, राइट? तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, उनकी निर्वाचन पद्धति क्या है, उसके बारे में हम बात करते हैं। मुझे मालूम है, जैसे ही मैंने निर्वाचन पद्धति बोला, जैसे ही मैंने निर्वाचन पद्धति बोला, आप लोगों के मन में एकदम स्पष्ट आ गया होगा कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन सी पद्धति से होता है। राष्ट्रपति का चुनाव जिस पद्धति से होता है उसका नाम है एकल संक्रमणीय। ध्यान रखिएगा, एकल संक्रमणीय, और केवल पता होने से काम नहीं चलेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, इसकी समझ भी होनी चाहिए कि एकल संक्रमणीय होता क्या है। पूरी विधि का नाम है एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 55 स्पष्ट शब्दों में एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली का उल्लेख करता है। देखिए, आज हम लोग जब इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, इतना आसान टॉपिक है, और आप जिस तरह से समझ रहे होंगे, तब भी मैं इसके बारे में समझ सकता हूँ कि आपको बहुत सारी बातें राष्ट्रपति के बारे में पता होंगी, लेकिन फिर भी हम चाह रहे हैं कि इस कॉन्सेप्ट का आपके बारे पास आइडिया होना चाहिए। चुनाव जिस तरह से होते हैं, उन चुनाव को हम मोटे तौर पर दो भागों में बांट सकते हैं। चुनाव की जो पद्धति है, एक विधि कहलाती है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, हिंदी में इसे कहते हैं अग्रता ही विजेता, अर्थात एक ऐसा चुनाव जिसमें जो सबसे ज्यादा वोट लेकर आएगा वो चुनाव जीतेगा, उसे हम कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मेथड। इसके ठीक विपरीत, आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में वो उम्मीदवार चुनाव नहीं जीतता है जो सबसे ज्यादा वोट लेकर आता है, बल्कि वो उम्मीदवार चुनाव जीतता है जो निश्चित कोटा प्राप्त करता है। निश्चित कोटा प्राप्त करने की वजह से ही इस पद्धति का नाम है एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। अब जरा देखिए, एकल संक्रमणीय का मतलब क्या है, पहले इसको जरा देखें। एकल संक्रमणीय शब्द का मतलब यह होता है एक ऐसी पद्धति, एक ऐसा चुनाव जिसमें मतदाता वरीयता क्रम में, प्रेफरेंस में, प्राथमिकता के क्रम में अगर मत देता है तब उसे हम लोग एकल संक्रमणीय कहते हैं। एक्चुअल में यहां पर एक शब्द है हस्तांतरणीय। एकल संक्रमणीय की जगह अगर हम लोग एकल हस्तांतरणीय विधि कहें
तो ये ज्यादा ठीक रहता है। हस्तांतरणीय का मतलब है कि मतदाता जब इस चुनाव में वोट देने आता है तो प्राथमिकता के क्रम में मत देता है, वरीयता के क्रम में मत देता है। और उसका कारण ये है कि जो वोटर्स जब वोटों की गिनती की जाती है, जब मतों की गिनती की जाती है, जब कोई उम्मीदवार निश्चित कोटा प्राप्त नहीं करता है, निश्चित अनुपात में मत प्राप्त नहीं करता है, तब ऐसे स्थिति में उसके वोट हस्तांतरित हो जाते हैं, उसके मत स्थानांतरित हो जाते हैं। दैट्स वाई इसे एकल संक्रमणीय या एकल हस्तांतरणीय विधि कहा जाता है। इस विधि को आनुपातिक इस वजह से कहते हैं क्योंकि इस चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट लाने का मतलब नहीं है, उसको एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होगा। और निश्चित कोटा क्या होता है इस पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति यदि पूछ ली जाए तो उसका पूरा नाम है एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। यानी जो भी जो वोट किए जाएंगे वो सब सीक्रेट होंगे, आप किसी को दिखा नहीं सकते। यदि आप वोट दिखाते हैं तो ऐसे स्थिति में आपका मत खारिज कर दिया जाता है। दैट्स वाई इसे एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली कहते हैं। तो ये तो बात है, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 55 में। दूसरी बात, इस चुनाव में कौन लोग उम्मीदवार बन सकते हैं? इस चुनाव में वही लोग उम्मीदवार बन सकते हैं जिनके नाम का 50 लोग तो प्रस्ताव रखेंगे, जिसे हम लोग प्रस्तावक कहते हैं। 50 लोग प्रस्तावक होने चाहिए और इसके अलावा 50 लोग अनुमोदक होने चाहिए। अब आपको याद क्या रखना है, ये 50 प्रस्तावक और ये जो 50 अनुमोदक हैं, ये वही लोग हो सकते हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। अर्थात इसका मतलब ये है कि 50 लोग आपके नाम का प्रस्ताव रखेंगे, दूसरे 50 लोग वे होंगे जो आपके नाम का अनुमोदन करेंगे, और ये जो 100 लोग हैं, ये 100 लोग वे हो सकते हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं। अर्थात राष्ट्रपति को जो लोग वोट दे सकते हैं उन्हीं में से 100 लोग प्रस्तावक और अनुमोदक के रूप में हो सकते हैं। एक बात आप और भी ध्यान रखिएगा, अगर मैं उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति के लिए खड़ा हुआ और आपने मेरे नाम का प्रस्ताव रखा है, आप 50 लोगों में से एक शामिल हैं, तो ऐसी स्थिति में आप किसी और के प्रस्तावक नहीं हो सकते और ना ही आप किसी और के अनुमोदक हो सकते हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, दोनों 50-50 होने चाहिए और ये 100 लोग किसी और के नहीं हो सकते हैं, किसी और के प्रस्तावक और अनुमोदक नहीं हो सकते हैं, और ये 100 लोग राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में से ही होने चाहिए। इस चुनाव में जमानत राशि 15,000 रुपए होती है। ये 15,000 रुपए की जो राशि है, आप चाहें तो कैश दे सकते हैं, आप चाहें तो DD बनाकर दे सकते हैं, आप चाहें तो PO पोस्टल ऑर्डर बनाकर दे सकते हैं, कैसे भी आप दे सकते हैं। जमानत राशि 15,000 होती है जो कि वैलिड वोट का 1/6 मत प्राप्त नहीं करने पर जब्त हो जाती है। कई बार ये पूछा जाता है कि ये राशि कहाँ जाती है, तो ये राशि RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा हो जाती है। यदि आपने निश्चित कोटा प्राप्त नहीं किया, या फिर यूं कह दीजिए कि आपने 1/6 वोट निश्चित कोटा के नहीं प्राप्त किए, तब ऐसी स्थिति में आपकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। दोस्तों, इस बात में याद रखने वाली क्या बात है, इसमें याद रखने वाली बात अब आएगी जो महत्वपूर्ण है। ये राष्ट्रपति का चुनाव है, ये देश के सबसे बड़े पदाधिकारी का चुनाव है। इस चुनाव में भाई जो ये चुनाव होगा, इसमें हम और आप तो चुनाव देते नहीं है, हमारे देश के जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो इस चुनाव में वोट देने जाते हैं। और वो जब वोट देने जाते हैं तो उनके वोट की वैल्यूज निकाली जाती है, प्रत्येक मतदाता के मत का मूल्य निकाला जाता है। और मूल्य निकालने का फॉर्मूला ये है, पहले एक विधायक का मत मूल्य निकाला जाएगा, विधायक यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ प्रश्न बनता है, देखिए क्या प्रश्न बनता है, अभी इसकी चर्चा करेंगे हम। एक विधायक का मत मूल्य निकालने का सीधा सा फॉर्मूला है, वो जिस राज्य का विधायक है उस राज्य की जनसंख्या कितनी है, उस राज्य की जनसंख्या कितनी है ये तो लिखी जाएगी ऊपर, और उसके नीचे यानी बटा करके लिखना है उस राज्य की विधानसभा सदस्य संख्या कितनी है। उस राज्य की विधानसभा सदस्य संख्या नीचे लिखी जाएगी और ऊपर उस राज्य की कुल जनसंख्या, और इसके बाद में जो करना है उसे 1/1 यानी 1/1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इससे एक विधायक का मत मूल्य आ जाएगा। मैं बहुत अच्छी तरह से इस बात को जानता हूं कि जब आपके पास OMR सीट आएगी
तो वहां पर आपको कहीं पर भी ये फॉर्मूला नहीं पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या हो सकता है, प्रश्न बनेगा क्या, जरा देखिएगा। एक विधायक का मत मूल्य निकालना है तो उस राज्य की जनसंख्या जिस राज्य का वो विधायक है अपॉन बटा करके उस राज्य के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य संख्या है उससे आप भागे दे दीजिए और फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/1000 से, उस राज्य के विधायक का मत मूल्य आ जाएगा। आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है, यहाँ पर जनसंख्या 1971 की आएगी, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति चुनाव में एक मतदाता के मत का जो मूल्य निकाला जाता है वो जनसंख्या का जो आधार वर्ष है वो है 1971, 1971 ही है, वही लिखना है, और वर्ष 2026 तक यही जनसंख्या का आधार वर्ष रहेगा। पहली बात तो ये आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, अगर 1971 की जनसंख्या के आधार पर इस फॉर्मूला के आधार पर उत्तर प्रदेश के एक विधायक का मत मूल्य निकालते हैं तो उत्तर प्रदेश के एक विधायक का मत मूल्य 208 यानी 208 आएगा। दो प्रश्न बहुत अच्छे हो सकते हैं, जनसंख्या का आधार वर्ष कौन सा है, 1971 है, कब तक यह रहेगा, 2026 तक रहेगा। इस फॉर्मूला के हिसाब से उत्तर प्रदेश के विधायक का मत मूल्य 208 है। अब आप मुझसे एक प्रश्न पूछ सकते हैं, 1971 ही क्यों, जब हमारे पास जनसंख्या के आंकड़े 2011 तक के हैं, 2001 के आंकड़े हैं, तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या का आंकड़ा या जनसंख्या का आधार वर्ष 1971 ही क्यों रखा जाता है। कारण स्पष्ट है, कारण यह है कि 1971 का जो वर्ष है वो एक ऐसा वर्ष है जब ये माना गया कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत की जो जनसंख्या है उसमें बहुत बड़ा फर्क नजर आ रहा है। दक्षिण भारत की जनसंख्या में तुलनात्मक रूप से वृद्धि कम हो रही है जबकि उत्तर भारत की जनसंख्या में तुलनात्मक रूप से वृद्धि जनसंख्या वृद्धि ज्यादा हो रही है। और आप बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं, जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा होगी उस राज्य का विधायक का मत मूल्य भी ज्यादा ही आएगा। अगर हम लोग 2001 या 2011 का आंकड़ा यहाँ पर लिखते हैं तो दक्षिण भारत के राज्य इसका विरोध करते हैं, वो कहते हैं कि एक तो हमने जनसंख्या को कम किया, जनसंख्या कम करके हमने राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन किया और राष्ट्रपति चुनाव में हमारे विधायक का मत मूल्य भी कम आ रहा है, तो ये तो गलत बात है। दैट्स वाई हम उन्हें हतोत्साहित नहीं करना चाहते, या यूं कह दीजिए हम उत्तर भारतीय जिन्होंने जनसंख्या में वृद्धि की है उनकी पीठ थपथपाना नहीं चाहते, और इस वजह से हमने जनसंख्या का आधार वर्ष अभी भी 1971 रखा है। और इस जनसंख्या के आधार वर्ष पर देखिए आपको ध्यान रखना है। अच्छा एक बात बताएं आप, एक बात बताइए मुझे आप, क्या सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य अलग अलग आएगा? मेरे प्रश्न को आप सुन पा रहे हैं, मेरे प्रश्न को आप समझ पा रहे हैं, मेरा प्रश्न ये है कि क्या सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य अलग अलग आएगा? मुझे मालूम है आप ये कहेंगे हाँ अलग अलग आएगा, तो मेरा प्रश्न है कि अलग अलग क्यों आएगा? आपको ध्यान रखना है, ये बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है, उसके दो कारण है, सभी राज्यों की जनसंख्या अलग अलग है इस वजह से अलग अलग आएगा, और दूसरा जो कारण है सभी राज्यों की विधानसभा सदस्य संख्या अलग अलग है इस वजह से सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य अलग अलग है। अब देखिए हम एक सांसद का मत मूल्य निकालते हैं, एक सांसद का मत मूल्य कैसे निकालेंगे? पहले हमने एक विधायक का मत मूल्य निकाला, एक विधायक का मत मूल्य निकालकर उस राज्य में जितने भी विधायक हैं उन सारे राज्यों के विधायकों का मत मूल्य निकाले। जैसे हम 28 राज्यों में अपनाएंगे, दिल्ली और पुदुचेरी में अपनाएंगे, और सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य निकालकर सबको जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जितना भी जो टोटल आएगा सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य का जो टोटल आएगा उसमें हम लोग संसद की निर्वाचित सदस्य संख्या यानी कि 543 प्लस 233 यानी 776 का अगर भाग दे देंगे, वापस सुनिएगा, एक विधायक का मत मूल्य निकाला जैसे यूपी में 208, इसके बाद में हम लोग सभी 403 विधायकों का मत मूल्य निकालेंगे, 403 मल्टीप्लाई 208 कर देंगे, यूपी के सभी विधायकों का मत मूल्य आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि वर्तमान में जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के अनुसार संसद के एक सदस्य का मत मूल्य 708 से घटाकर 700 कर दिया गया है। अब आप पूछेंगे 700 क्यों कर दिया गया है, तो इसका साफ सा मतलब यह है कि 700 इसलिए कर दिया गया क्योंकि जम्मू कश्मीर में अभी तक कोई विधानसभा नहीं है, अतः
यदि वर्तमान में कुछ पूछा जाता है संसद के सदस्य का मत मूल्य, तो आपको बताना है 700। जैसे ही विधानसभा जम्मू कश्मीर की विधानसभा का गठन कर दिया जाएगा, वैसे ही ये सदस्य संख्या जो संसद सदस्य का मत मूल्य इस समय 700 है वो चेंज हो जाएगा। फिलहाल अभी जो आपको याद रखना है वो याद रखना है 700। तो यही फार्मूला हम लोग सभी राज्यों में अपनाएंगे और सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य निकाल कर उन सबको जोड़ देंगे और जोड़कर संसद की जो निर्वाचित सदस्य संख्या उससे भाग दे देंगे। तो ऐसी स्थिति में एक सांसद का मत मूल्य आ जाएगा जो कि 708 और वर्तमान में जो है 700 यानी 700। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, ये जो राष्ट्रपति की जो निर्वाचन विधि है इसका उल्लेख अनुच्छेद 55 में, दो चार बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, कोई विधानसभा भंग हो गई है, दो विधानसभाएं भंग हो गई हैं, तो ध्यान रखिएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 71 आर्टिकल 71 स्पष्ट शब्दों में ये कहता है कि किसी का पद खाली होने से वो निर्वाचक पद में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का चुनाव रुकेगा नहीं, राष्ट्रपति का चुनाव समय पर होगा। चाहे एक विधानसभा भंग हो जाए, चाहे दो विधानसभा भंग हो जाए, चाहे 28 के 28 राज्यों की विधानसभाएं भंग हो जाए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद, अब देखिए संसद तथा विधानसभा के सारे सदस्य भाग लेते हैं, और अगर विधानसभा भंग है तो भी संसद है, और यदि लोकसभा भी भंग हो जाती है तब भी हमारे पास राज्यसभा जो परमानेंट हाउस है, राज्यसभा राष्ट्रपति का चुनाव कर सकती है। आर्टिकल 71 यही कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव किसी निर्वाचक मंडल का पद खाली होने की वजह से रुकेगा नहीं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, राष्ट्रपति के चुनाव में यदि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 71 आर्टिकल 71 ये कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर उसकी सुनवाई केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट करेगा। इस बात का उल्लेख आर्टिकल 71 में है। और आपको बात ये भी याद रखनी है कि जब भी राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में विवाद होगा, सुप्रीम कोर्ट जब उसकी हियरिंग करेगा, सुप्रीम कोर्ट जब उसकी सुनवाई करेगा, तब ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की बेंच गठित की जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि राष्ट्रपति चुनाव में अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो राष्ट्रपति का चुनाव होने के 30 दिन के भीतर भीतर 30 दिन के अंदर अंदर इस संदर्भ में आपको अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी सुप्रीम कोर्ट में। और आपको साथ ही साथ ये भी याद रखना है, आप और हम लोग राष्ट्रपति चुनाव में किसी प्रकार की शिकायत नहीं कर सकते हैं, शिकायत वही कर सकता है जो राष्ट्रपति चुनाव का राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हो। कैंडिडेट को शिकायत करने का अधिकार है, साथ ही साथ उन लोगों को शिकायत करने का अधिकार है जो राष्ट्रपति चुनाव में मत देते हैं, और कम से कम 20 वोटर राष्ट्रपति चुनाव के इस संदर्भ में शिकायत कर सकते हैं, ऐसा आर्टिकल 71 कहता है। और सुप्रीम कोर्ट इस संदर्भ में जो भी निर्णय देगा वो निर्णय अंतिम होगा। एक बात और आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, अगर राष्ट्रपति चुनाव में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हुई, आपने इसकी सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की, सुप्रीम कोर्ट ने 4 महीने बाद में, 5 महीने बाद, 7 महीने बाद जब भी कोई निर्णय दिया, इस दौरान राष्ट्रपति के द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे वो सारे के सारे कार्य वैलिड होंगे, इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। एक बात और आपको ध्यान रखनी है, राष्ट्रपति का चुनाव चुनाव आयोग करवाता है, और ऐसा भारत के संविधान के आर्टिकल 324 में लिखा हुआ है, लेकिन याद आपको ये रखना है कि चुनाव संबंधी कोई प्रॉब्लम हुई उसका निपटारा आर्टिकल 71 के तहत सुप्रीम कोर्ट करेगा, उसमें चुनाव आयोग की किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं होती है। साथ ही साथ आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा, चुनाव आयोग चुनाव करवाता है लेकिन चुनाव का जो अधिकारी होता है जिसे हम लोग पीठासीन अधिकारी कह सकते हैं, कभी लोकसभा का महासचिव, कभी राज्यसभा का महासचिव, राज्यसभा और लोकसभा में जो महासचिव होते हैं वो बारी बारी से इस चुनाव में चुनाव अधिकारी के रूप में काम करते हैं। आज हम लोगों ने राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति के बारे में चर्चा की, राष्ट्रपति पद की क्वालिफिकेशंस को लेकर चर्चा की, कल हम लोग राष्ट्रपति शपथ किस तरह से लेते हैं, महाभियोग की क्या प्रक्रिया है, राष्ट्रपति को क्या क्या विशेषाधिकार प्राप्त हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। आप अपना संयम इसी तरह से बनाए रखें, कल हम फिर आपसे इसी तरह रूबरू होंगे। और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए, हम आपके साथ हैं और आप भी साथ देते रहिए, समय पर पढ़ाई करते रहिए, वीडियो को देखते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
तो दीजिए हमें अनुमति तब तक के लिए, जब तक कि हम अगली वीडियो आपके सामने लेकर नहीं आ जाते हैं। मिलते हैं कल फिर, राइट टाइम राइट जगह, तब तक के लिए अनुमति।